हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास अंजल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल मेकअप लुक। तो अगर आप लोग फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइजर, ये लैक्मी का मॉइस्चराइजर लिया। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है, तो आप जाकर इसे ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, सो ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और बहुत ही परफेक्ट है, आप भी ले सकते हैं। सेकंड में यहाँ पर ले रही हूँ प्राइमर, लैक्मी का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा है। है 750 का, लेकिन बहुत ही अच्छा है। एक बार ले लोगे तो काफ़ी टाइम चलेगा, लेकिन आप लोग लेना ज़रूर, ये मत सोचना महंगा है, बहुत ही अच्छा है और आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ सो लैक्मी का फाउंडेशन, और मैं उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने हैंड पे लिया और उसको अच्छे से मिक्स किया। उसमें कुछ नहीं है, पर मैंने उसी को ही मिक्स किया और डॉट डॉट करके मैं लगा रही हूँ। ये फाउंडेशन तो हर एक लड़की के पर्स में होता है, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। तो मैंने यहाँ पर इसे नेक पे और अपने पूरे फेस पे लगा लिया अच्छे से, और इसे हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे अच्छे से। यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में डिप करके निचोड़ दिया था, उससे हमारा फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से लग जाता है और टाइम भी नहीं लगता और सेट भी हो जाता है। सो गाइस, ये होली मेकअप लुक अगर आप लोगों को पसंद आता है, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करें। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मी का फाउंडेशन दोबारा से, मैं इसको एज अ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कहा एक बार मैं ट्राई करती हूँ, देखो ये कंसीलर की तरह भी वर्क करता है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये कंसीलर की तरह वर्क किया और आई मेकअप मेरा इतना निखर के आया था, अभी आप लोग खुद देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो इसने बहुत ही अच्छे से वर्क करा, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर लैक्मी का सेटिंग पाउडर ले रही हूँ, और इसको मैंने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करा, ब्रश में लगाया, डस्ट ऑफ किया और फिर अप्लाई करा, ताकि मेरा मेकअप केक ही ना लगे। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मैं अपने आई मेकअप के लिए मार्क्स की आई पैलेट ले रही हूँ। मैंने इस पैलेट में से 2 कलर लिए, एक डार्क पिंक कलर लिया और एक हल्का पिंक कलर लिया। इसको मैं लूँगी ब्रश में और डस्ट ऑफ करके अपनी आईलेट पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हमको अच्छे से ब्लेंड करना, हमको तब तक ब्लेंड करना है गाइस जब तक हमारे ब्रश पे जो भी प्रोडक्ट है अच्छे से ना लग जाए। सेकंड वही मैं अप्लाई कर दूँगी अपनी सेकंड आईज पे, जो भी मैंने 2 कलर इस आईज पे लगाए हैं वो इस आईज पे भी लगा लूँगी। सो गाइस, ये आई मेकअप जब मैंने किया था मुझे इतना पसंद आया, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। मैं इस पैलेट में से ले रही हूँ सिल्वर कलर का आई शेडो, जो कि हमारे मेकअप लुक को और ही अच्छा बना देगा। तो मैं फिंगर की हेल्प से लगा लूँगी, दोनों आईज पे लगा लेंगे। सो गाइज, इतना ब्यूटीफुल लगेगा अभी आप देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर सेकंड में यहाँ पर वही पिंक कलर लेके डस्ट ऑफ करके मैंने अपनी क्रीज लाइन पे लगाया, ताकि हमारी क्रीज लाइन बिल्कुल शार्प दिखे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ येलो कलर। सो गाइस, मैं यहाँ पर येलो कलर इनर कॉर्नर पे लगा लूँगी, और इससे हमारी आईज बहुत ही परफेक्टली दिखेंगी। सो आप लोग भी ये आई मेकअप जरूर ट्राई करना, सच में बहुत प्यारा लगे। सो गाइस, अब मैं ले रही हूँ लैक्मी का लाइनर और मैं अपनी दोनों आईज पे अप्लाई कर लूँगी। इनर कॉर्नर पे भी हम लगा लेंगे और हमारी आईज बहुत ही परफेक्ट दिखेगी, क्योंकि हमने येलो कलर लगाया है, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर मैं लोअर लैश लाइन पे हम अपने पिंक कलर जो हमने आईलेट पे लगाए थे, वो दोनों कलर दोनों आईज पे लगा लेंगे आईलेट पे। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ मैबलिन का काजल। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आईलैशेस लगा लिए ऑफ कैमरे पे, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मी की थ्रेडिंग पेंसिल, जो मेरी नेचुरल थ्रेडिंग है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी थ्रेडिंग को फिल कर लूँगी और एक ब्रश की मदद से सेट करके यहाँ पर मैंने लगा लिए बिंदी। अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है, अब हम अपने फेस को करेंगे कॉन्टोरिंग। जब तक अपने फेस को कॉन्टोर ना करो ना, तब तक तो पिक्चर अच्छी आ ही नहीं सकती। और हाँ, अगर आपका फेस स्लिम है, आपका फेस गोलू मोलू नहीं है, तो आपके फेस को कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है। अगर आपका फेस गोलू मोलू है, स्लिम नहीं है, तो आप जरूर अपने फेस पे कॉन्टोरिंग करा करें। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने नोज पे लगाया, चिक पे लगाया, अपनी जॉ लाइन पे लगाया, फोरहेड पे लगाया, और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, सेट कर देंगे, ताकि हमारा फेस
अच्छा लगे और हमारी पिक्चर बड़ी प्यारी है। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लश, उसी आई पैलेट से मैंने यहाँ पर ब्लश लिया है और ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर लिया। दोनों चीक पे अप्लाई कर लूँगी और आपको यहाँ कॉर्नर पे लगाकर यहाँ पर लगाना है, डस्ट ऑफ करके लगाना, नहीं तो ज़्यादा लग जाएगा। मैंने यहाँ पर हाइलाइटर भी लिया, डस्ट ऑफ किया, फिर अप्लाई करा। आप कभी भी डायरेक्टली अप्लाई ना करें, उससे क्या होता है ज़्यादा अप्लाई हो जाता है और वो देखने में बहुत चमक चमक सा बेकार लगता है। जहाँ जहाँ पर आपको हाइलाइटर करना है आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पर हाइलाइटर किया है। और फिर मैं यहाँ पर सो लिपस्टिक लगा रही हूँ और माय फेवरेट शेड है ये, तो आप लोग भी आप अपने पसंद की लिपस्टिक लगा सकते हैं। इसमें ये नहीं है रेड लगाना है, पिंक लगाना, आपको जो अच्छा लगे वो लगाओ। होली मेकअप लुक है यार, तो आप कलरफुल तो कर ही सकते हो। तो फिर मैंने यहाँ पर पहनी है एयररिंग। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइज, मेकअप लाइक ज़रूर करना।